गाइज आप सबको ही पता है कि अमेजोन वॉलेट के थ्रू अभी हम सब डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई ने रोक लगाया है और रोक लगाने के बावजूद भी बहुत सारा ऐसा वॉलेट जो है उसमें क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली लोड मनी हो पा रहा है। लेकिन अगर आपका लोड मनी नहीं हो पा रहा है तभी आपसे एक काम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपके पास दो तीन वॉलेट होना चाहिए, अगर आपका एक वॉलेट में लोड मनी हो रहा है दो वॉलेट में हो रहा है तो आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर लीजिए और ट्रांसफर करने के बाद जो वॉलेट में आपका UPI ID एक्सेप्टेड है यानी UPI के थ्रू आपका मनी ट्रांसफर हो रहा है Amazon बैलेंस का तो आप डायरेक्टली Amazon वॉलेट का बैलेंस UPI के जरिए ट्रांसफर कर लीजिए। लेकिन एक गलती भी मत कीजिएगा, गलती आपको ये नहीं करना है कि आपको कभी भी गिफ्ट वाउचर को परचेज नहीं करना है, क्योंकि आज के डेट में गिफ्ट वाउचर क्रेडिट कार्ड से परचेज हो रहा है Amazon वॉलेट का। तो अगर आप Amazon का गिफ्ट वाउचर परचेज कर लेते हैं 5,000-10,000 का, वो बैलेंस आपका ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर आप सब फंस जाएंगे। और बहुत सारा ट्रिक क्या यूज करता है, सबसे पहले तो क्या करता है 5,000-10,000 का गिफ्ट वाउचर को परचेज करता है, उसके बाद कोई प्रोडक्ट उस गिफ्ट वाउचर से बाय करता है और बाय करने के बाद क्या कर रहा है फिर उस प्रोडक्ट को कैंसिल कर रहा है और कैंसिल करने के बाद क्या होता है वो बैलेंस आपको वॉलेट में आ जाता है और उस वॉलेट बैलेंस को हम लोग फिर से UPI के जरिए ट्रांसफर करने की कोशिश करते रहते हैं, यानी हम लोग बहुत समझदार हैं और हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। वही ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आप सबका कोई भी गिफ्ट वाउचर अगर आपको परचेज किए हैं, अगर उससे आपको प्रोडक्ट बाय किए हैं उसके बाद प्रोडक्ट को कैंसिल किए हैं तो वो बैलेंस भी ट्रांसफर अभी नहीं हो पा रहा है, यानी जितना हम लोग दिमाग लगा रहे हैं ना उससे ज़्यादा Amazon भी दिमाग लगा रहे हैं और RBI तो उससे आगे भी चल रहा है। तो आगे हम सबको बच के रहना पड़ेगा, बच के ऐसे रहना पड़ेगा कि अभी बताया गया है Amazon के द्वारा डायरेक्टली अगर आपको वॉलेट टू वॉलेट बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो उस बैलेंस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं सेविंग अकाउंट में, अदरवाइज अगर आप अपना दिमाग लगा के बैलेंस ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो हम ट्रांसफर नहीं करने देंगे। तभी हम सबको बचना पड़ेगा, सबसे पहले आपको Amazon का गिफ्ट वाउचर परचेज नहीं करना है और कैशबैक वाला बैलेंस भी ट्रांसफर नहीं होगा, यानी दो बैलेंस ट्रांसफर नहीं होने वाला है, Amazon का कैशबैक और दूसरा गिफ्ट वाउचर बैलेंस, ये दोनों ट्रांसफर नहीं होगा। बाद बाकी एड मनी जो करेंगे एड मनी का बैलेंस ट्रांसफर होने वाला है, वो ट्रांसफर होने वाला है पर्सनली UPI के जरिए, ठीक है, वो भी आप सबको सोच समझ के करना पड़े, जिसकी अगर आपका फुल KYC वॉलेट का नंबर अगर वो बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा तो आप उधर से जाके कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेड वॉलेट में ही याद करिएगा, ठीक है। सो ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपके वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।